Hello students, today we are going to study about your class 12th section B, the chapter Swamian Friends and the chapter 3rd of the Swamian Friends. The name of the chapter is Swami's Grandmother. She is quite a unique and quite a fantastic character in the story और बहुत ही बेहतरीन उनका character लिखा गया है. आर के नारायण की बिल्कुल तारीफ की जाना चाहिए उस character के लिए. She is old lady जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो आज भी पुराने दिनों में जीना चाहती हैं या पुराने दिनों की बातें करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कि क्या है उनके बारे में. स्वामीज ग्रैंड मदर इन द इल वेंटिलेटेड डार्क पैसेज. बिल्कुल आप उसकी जो लेखक ने उनके लिए लिखा है उसको समझिए. उनके रूम का वर्णन चल रहा है कि हाउ द राइटर इज डिस्क्राइबिंग द रूम ऑफ हर. रूम कैसा है उनका, इल वेंटिलेटेड. इल बीमार सा है, वेंटिलेटेड दम घुटता है वहाँ पे, यानी कि वेंटिलेशन भी नहीं है, हवा निकलने की जगह भी नहीं है. इल वेंटिलेटेड है, इसका मतलब है कोई जाके बैठ जाए तो बीमार पड़ जाए. इन द इल वेंटिलेटेड डार्क पैसेज. डार्क पैसेज अंधेरा कोना है, बिटवीन द फ्रंट हॉल एंड द डाइनिंग रूम. फ्रंट हॉल और डाइनिंग रूम के बीच की जो जगह है वहाँ पर दादी को एक छोटी सी जगह दे दी गई है कि तुम यहाँ पर रहो. स्वामीज नाथन्स ग्रैंड मदर लिव्ड विथ ऑल हर बिलोंगिंग्स. अपनी सारी चीज़ों का रख रखा के वहाँ पर दादी जी रहती हैं. विच कंसिस्टेड ऑफ एलोब्रेटेड बेड. उसमें क्या क्या शामिल है. एक उनका बेड है ना, जहाँ पर लेखक बड़े शानदार तरीके से उनके बेड का वर्णन करता है कि वो बेड बना हुआ कैसे. मेड ऑफ 5 carpets. 5 तो उन्होंने कारपेट बिछा ली है ना. 3 bedsheets, उसके ऊपर 3 चादरें बिछा ली है. 5 pillows, 5 pillow रख लिए हैं. एक जूट का स्क्वायर बॉक्स है उनके पास, उसमें भी एक लकड़ी का स्मॉल बॉक्स रखा हुआ है. कंटेनिंग कॉपर कॉइन्स, उसके अंदर कॉपर के कुछ पुराने कॉइन्स हैं. कार्डमम है, इलायची है, क्लोव लौंग है, एरिका नट है, सुपारी वगैरह रखी हुई है. आफ्टर द नाइट मील विथ हिज हेड ऑन हिज ग्रेनीज लेप. रात का खाना खाने के बाद जो स्वामी होता है वो ग्रेनी की लेप, लेप मतलब होता है गोदी, वो गोदी में जाकर नेस्टिंग, नेस्ट मतलब जैसे कोई चिड़िया घोंसला बना लेती है ना, वो नेसल करती है, तो नेस्टिंग क्लोज टू हर, वो बिल्कुल सिकुड़ के जाके दादी की गोदी में सो जाता है, बैठ जाता है. स्वामीनाथन फेल्ट वेरी स्नग एंड सेफ. स्वामीनाथन को उस समय दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह उसकी दादी की गोद लगती है ना, क्योंकि घर में सिर्फ दादी ऐसी है जो स्वामी की पंचायतों को सुनती है, या स्वामी की जितनी भी दिन भर की बकवास स्कूल की होती है उनको अगर कोई झेलता है तो वो दादी है. तो उनको काफ़ी, उसको स्वामी को काफ़ी पसंद है दादी से बातचीत करना. इन द फेंट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्डमम एंड क्लोव्स. बढ़िया माहौल है वहाँ पर, दादी का जूट बॉक्स में इलायची रखी हुई है, लौंग रखी हुई है, तो उसकी महक उड़ा करती है चारों तरफ, और स्वामी जाके बिल्कुल आराम से दादी की गोदी में लेट जाता है. अब स्वामी यहाँ पर अपनी बातें कहना चालू करता है. ओ ग्रेनी ही क्राइड, यू डोंट नो वॉट अ ग्रेट फेलो राजम. राजम की तारीफ कर रहा है. क्यों कर रहा है? हमारी लाइफ में देर आर सम पीपल टू हुम वी सी एज अ मार्वल एंड एज वी वॉन्ट टू बिकम लाइक देम. कई बार किसी शख्स का ओरा, ओरा समझते होंगे आप आभा, या फिर उसका तेज ऐसा होता है कि हम उसके ओरा में ऐसे बंध जाते हैं कि हमको चारों ओर सिर्फ वही शख्स दिखाई देने लग जाता है. लवर्स के साथ होता है ऐसा, जब वो किसी और को लव, किसी को लव करना पसंद करते हैं तो उनको दिन रात वही चीज़ें दिखती है. ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का या लड़की ही होंगे, कई बार हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना लग जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कोई फ्रेंड है बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, हम देखते हैं उसको कि वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी तेज रहता है, तो हमको लगता है कि यार ये कितना अच्छा, कितना टैलेंटेड शख्स है, हमको भी ऐसा बनना चाहिए. तो सेम जो है स्वामी के साथ हुआ है. When he sees Rajam, Rajam is good in studies, good in fight, he is a rich fellow as well, वो अमीर भी है ना. तो वो जब राजम को देखता है तो उसका एक impression, उसका एक ना ओरा जो है वो स्वामी के दिमाग पर छा चुका है, और उसको ऐसा लगता है कि राजम इज़ सुप्रीम ऑफ ऑल. मतलब जितने बच्चे, जितने लड़के उसको वो जानता है, उसमें राजम सबसे सुप्रीम है. तो वो दिन रात सिर्फ राजम की बातें करता है. और वो आ गया है, दादी को क्या कहता है, ही यू डोंट नो व्हाट अ ग्रेट फेलो राजम इज. आपको पता नहीं है राजम कितना महान है. ही टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट एनिमिटी बिटवीन राजम एंड मनी एंड द सब्सिक्वेंट फ्रेंडशिप. वो अपनी दादी को बताता है कि कैसे मनी और राजम पहले दुश्मन हुआ करते थे और फिर बाद में वो क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं.
यू नो ही हैज अ रियल पुलिस ड्रेस। स्वामीनाथन अपनी दादी से कहता, दादी आपको पता है उसके पास एक असली पुलिस की ड्रेस है। दादी कहती, इज इट, व्हाट डज ही वांट अ पुलिस ड्रेस फॉर। दादी कहती है कि अच्छा, वो पुलिस की ड्रेस का क्या करता है ना। तो क्या कहता है स्वामी, हिज फादर इज द पुलिस सुपरिटेंडेंट, ही इज द मास्टर ऑफ एवरी पुलिस मैन हियर। उसके पिताजी पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, वो सारे पुलिस वालों के मास्टर हैं। ग्रेनी वॉज इम्प्रेस, दादी इम्प्रेस होती है, शी सेड। लेकिन दादी फिर अब अपनी बातें कहना चालू करती है। दादी कहती है, शी सेड इट मस्ट बी अ ट्रिमेंडस ऑफिस इंडीड। तो फिर तो उसके पिताजी का बहुत बढ़िया ऑफिस होगा। शी देन रिकाउंटेड द डेज वेन हर हस्बैंड स्वामीनाथन ग्रैंड फादर वॉज अ पावरफुल सब मजिस्ट्रेट। दादी के साथ दो समस्या है। एक तो दादी को कोई बात बोलो तो दादी को ये लगता है कि अब वो दादी पुराने ज़माने में चली जाती है और उन दिनों को याद करना शुरू कर देती है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल, यू विल सी लाइक दिस कंडीशन, वॉट दे डू, वो जब आप उनसे कुछ भी बातें करेंगे तो वो अपने दिनों को याद करना चालू करेंगे, वो अपने दिनों की बातें बताना चालू करेंगे कि हमारे टाइम तो ऐसा होता था, हमारे टाइम तो वैसा होता है। मोस्टली ऑफ द पेरेंट्स होता है ना, आज जैसे कि अब स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए और पेरेंट्स को देख लीजिए, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है। आप 60% लाएंगे, माँ बाप कहेंगे अरे 70 आना चाहिए थे। आप 70% ले आएंगे, वो कहेंगे अरे 80 आना चाहिए थे। आप 80 ले आएंगे तो उनको लगेगा अरे यार 80 को ही होते, 80 तो सब ले आते, 90 लाना चाहिए थे। 90 ले आओगे तो उनको लगेगा कि टॉप करना चाहिए था आपको, आपने टॉप क्यों नहीं किया। तो दे आर नेवर सेटिस्फाइड। और वो फिर अपनी, जब आप उनसे पूछ लेंगे अपने पेरेंट्स से या फिर किसी और से कि है ना आपको कितने परसेंट बने थे, दे आर रेडी एक्सक्यूजेस। वो अपने एक्सक्यूजेस हमेशा साथ रखते हैं कि भाई हमारे टाइम तो लाइट ही नहीं होती थी, हम तो अगरबत्ती में पढ़ाई करा करते थे, हमारे टाइम तो मगरमच्छ के मुंह में जाके पेंसिल छीलना पड़ती थी, वगैरह वगैरह। तो वो अपने दिनों में लौट जाते हैं और सिर्फ अपने अपने डेज को याद करना शुरू कर देते हैं। सो द सेम थिंग इज विथ दादी। दादी आप कुछ स्टोरी सुनाओगे, दादी चली जाएगी दादाजी के पास, वो अपनी ओल्ड स्टोरीज गाना बताना शुरू कर देंगी। दादी के साथ एक सेकेंड समस्या भी है, दादी बूढ़ी हो चुकी हैं, दादी की जो माइंड की कैपेसिटी है वो काफ़ी वीक पड़ चुकी है, दादी इवेंट्स को मिक्स कर देती है। बेटे की शादी में बुआ की शादी घुसा देती है, किसी की मैयत घुसा देती है, तो दादी इवेंट्स को मिक्स करना शुरू करती है। देट विल यू सी इन अहेड पार्ट, कि आप आगे देखेंगे कि दादी क्या करती है। तो दादी क्या कहती है, शी देन रिकाउंटेड द डेज वेन हर हस्बैंड स्वामीनाथन ग्रैंड फादर वॉज अ पावरफुल सब मजिस्ट्रेट। दादाजी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, सब मजिस्ट्रेट मतलब जो जज हैं उनमें हुआ करते थे, वो पावरफुल सब मजिस्ट्रेट थे। इन विच ऑफिस ही मेड द पुलिस फोर्स ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब होता कांपना, बिफोर हिम। वो अपने ऑफिस में बड़े बड़े पुलिस फोर्स को कपा दिया करते थे अपने सामने। एंड द फियरेस्ट डकेट्स ऑफ द प्लेस फ्ली, उनका नाम सुन के बड़े बड़े डकैत भाग जाया करते थे, उड़ जाया करते थे। स्वामीनाथन वेटेड इम्पेशेंटली फॉर हर टू फिनिश द स्टोरी। स्वामीनाथन को बिल्कुल सब्र नहीं था और उनको दादी की बात को सुनने में स्वामी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि उसको ये लग रहा था दादी क्या खा रही है, क्या चाट रही है दादी, है ना। वो इंतजार कर रहा था कि दादी अपना मुंह बंद करे तो मैं अपनी स्टोरी वापस से सुनाऊं। बट शी वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन उन्होंने अपना बोलना जारी रखा, उन्होंने अपना क्रम जारी रखा। रेम्बल्ड, कंफ्यूज, अटक रही थी, कंफ्यूज हो रही थी, इवेंट्स को मिक्स कर दे रही थी, वेरियस इंसिडेंट्स जो कहीं ना कहीं ना टुक प्लेस एट द डिफरेंट टाइम, जो डिफरेंट टाइम्स पे घटे थे वो उनको मिक्स कर रही थी दादी। स्वामी को आखिरकार बीच में बोलना ही पड़ा, दैट विल डू ग्रैनी, बस बस दादी हो गया बस, है ना। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट राजम, मैं राजम के बारे में बता लूँ कुछ आपको। डू यू नो हाउ मैनी मार्क्स ही गेट्स इन अर्थमेटिक्स? आपको पता है दादी उसको मैथ्स में कितने नंबर आए? दादी कहती है, ही गेट्स ऑल द मार्क, डज ही चाइल्ड? उसको सारे नंबर आ गए क्या, है ना, सारे नंबर आ गए? दादी बोलती है, उसको पूरे 100 में से 100 आ गए क्या? और वो कहता, नो सिल्ली, अरे दादी आप तो मूर्ख हो। ही गेट्स 90 मार्क्स आउट ऑफ द 100, उसको 90 आए 100 में से। अगेन दादी स्टार्टेड टू टेल अबाउट द दादाजी, गुड बट यू मस्ट ऑल्सो ट्राई टू गेट मार्क्स लाइक हिम। लगे हाथ दादी ने ताना मार दिया स्वामी को कि बेटा तू भी तो कभी तरक्की कर, तू भी कभी हमारा नाम रोशन कर, वो ला रहा है 100 में से 90, तू तो कुछ करता ही नहीं है। तो दादी ने लगे हाथ ताना मार दिया कि तुझको भी कोशिश करना चाहिए और इतने मार्क्स लाना चाहिए। यू नो स्वामी, योर ग्रैंड फादर, वो आ गई दादी अपने दादाजी पे और वो उनकी बातें शुरू। तुमको पता है स्वामी, तुम्हारे जो दादाजी थे यूज टू फ्रेटन, डरा दिया करते थे द एग्जामिनर्स विथ हिज आंसर्स समटाइम्स।
दादाजी अपने आंसर से एग्जामिनर को डरा दिया करते थे. व्हेन ही आंसर्ड अ क्वेश्चन, जब वो आंसर देते क्वेश्चन का, ही डिड इन अ टेंथ ऑफ द टाइम. तो जब लोग जितने देर में करते थे उससे 10 गुना तेजी से तेरे दादाजी आंसर दे दिया करते थे. एंड देन हिज आंसर वुड बी सो पावरफुल, और उनका आंसर इतना पावरफुल होता था, इतनी लंबी देने वाली दादी जी. दादी कहती है कि दैट हिज टीचर वुड गिव हिम 200 मार्क्स समटाइम्स, कि उनके जो टीचर है उनको 100 में से 200 नंबर दे दिया करते थे. दादी ने बहुत ही लंबी फेंकी है यहाँ पर, है ना. और वेन ही पास हिज एफ ए, जब उन्होंने एफ ए, है ना, आप समझते हैं CBSEs में एस ए और एफ ए की एग्जाम्स होती हैं, तो जब उन्होंने अपना एफ ए पास किया था, ही गॉट सच अ बिग मेडल. तो दादाजी को क्या मिला था, एक मेडल मिला था. आई वॉर इट इज़ अ पेंडेंट फॉर ईयर्स, और मैं दादाजी का जो मेडल थी उसको पेंडेंट बना के बहुत सालों तक पहन पहन के घूमती थी. व्हेन डिड आई रिमूव इट, दादी सोचना शुरू करती है. दादी को भूलने का दौरा पड़ चुका है और दादी को अब इवेंट मिक्स करना है, दादी को कुछ याद नहीं है. मैंने कब हटाया था उस पेंडल को गले से, यस व्हेन योर आंट वॉज बोर्न, तेरी बुआ जब हुई थी ना तब मैंने उसको अपने गले से हटाया था. नो नो नो, इट वॉजेंट योर आंट, इट वॉज वेन योर फादर वॉज बोर्न. वो भूल चुकी है. अब वो क्या कहती है, नहीं 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 तेरी बुआ नहीं, तेरे पिताजी जब हुए थे ना तब मैंने उस पेंडल को, उस ना मेडल को हटा दिया था. आई रिमेंबर ऑन द 10th डे ऑफ कन्फाइनमेंट, नो 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 आई वॉज राइट, आई इट वॉज योर आंट वॉज बोर्न. फिर बात भूल गई, वापस से इस बात पर आई कि नहीं तेरी बुआ हुई थी ना पक्का, अब तो तभी वो मेडल मैंने हटाया था. वेयर इज दैट मेडल नाउ, अब दादी सोच रही कि वो मेडल है कहाँ. आई गेव इट अवे टू योर अंट, हारे याद आया तेरी बुआ को ही मैंने वो मेडल दे दिया था. शी मेल्टेड इट, उसने उसको पिघलवा लिया. एंड मेड 4 बेंगल्स आउट ऑफ इट, उसने 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी तेरे दादाजी के मेडल की, मूर्ख कहीं की. हमारे घर में है ना इतनी द फिल्म सी बेंगल्स 2, इतनी घटिया चूड़ियाँ बनवाई थी तेरी बुआ ने. आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, और मैं हमेशा से ये मानते आई हूँ कि हमारे घर में सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई था तो तेरी बुआ थी, बहुत ही मूर्ख औरत थी वो. तो दादी मिक्स करे जा रही है इवेंट्स को, कुछ भी बके जा रही है, जिसमें स्वामी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओ इनफ ग्रैनी, अरे दादी बस करो, यू गो ऑन बॉदरिंग अबाउट ओल्ड अननेसेसरी स्टोरीज. तुम क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो पुरानी बोरिंग स्टोरियाँ, अननेसेसरी स्टोरीज सुना सुना के. वॉन्ट यू लिसन टू राजम, क्या आपको राजम के बारे में नहीं सुनना है. दादी बेचारी बोलती है, यस डियर यस, हाँ हाँ अरे सुनाओ ना, बताओ बताओ. ग्रेनी, वेन राजम वॉज अ स्मॉल बॉय ही किल्ड अ टाइगर. दादी का फेंकना बंद हुआ, पोते का फेंकना शुरू हुआ. क्या कहता है स्वामी, ग्रेनी वेन राजम वॉज अ स्मॉल बॉय, जब राजम छोटा लड़का था, ही किल्ड अ टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया था. अच्छा ये इसको किसने फेंकी होगी, ऑब्वियसली बात है राजम ने स्वामी को फेंकी है, स्वामी जाकर दादी को चिपका रहा है, यही वाली है ना. इंडीड द ब्रेव लिटिल बॉय, दादी कहती है अरे कितना बहादुर बच्चा है. अब स्वामी क्या कहता है, यू आर सेइंग इट जस्ट टू प्लीज मी, यू डोंट बिलीव इट, आप बस मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, आपको मेरी स्टोरी पर यकीन नहीं कि वो टाइगर को मार सकता है ना, यकीन तो हमको भी नहीं है. स्वामीनाथन स्टार्टेड द स्टोरी इंथुजियास्टिकली, स्वामी ने बड़ी उत्सुकता से वो स्टोरी बताना शुरू करी. राजम्स फादर वॉज कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट, राजम के पिताजी जंगल में कैंपिंग कर रहे थे. ही हैड हिज सन विथ हिम, उनके साथ उनका बेटा भी था. टू टाइगर्स केम अपॉन देम सडनली, दो टाइगर दोनों बाप बेटों पे कूद गए. वन नॉकिंग डाउट द फादर, एक ने पिताजी को पकड़ लिया फ्रॉम बिहाइंड पीछे से. द अदर बिगेन चेसिंग राजम, दूसरे ने राजम का पीछा करना चालू कर दिया. हु टुक शेल्टर बिहाइंड अ बुश, राजम जाके झाड़ियों के पीछे छुप गया. एंड शॉट इट डेड विथ हिज गन, राजम ने गन निकाली और टाइगर को मार दिया. दादी आर यू अस्लीप, दादी सो गई क्या. स्वामीनाथन आस्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्वामी स्टोरी सुना रहा है, दादी ऊंग रही है और नींदे ले रही है, झपकियाँ ले रही है. दादी बोलती नहीं बेटा मैं सुन रही हूँ, दादी की आँख बंद है, दादी सोने जैसी कंडीशन में, और कहती है नहीं बेटा मैं सुन रही हूँ. लेट मी सी हाउ मैनी टाइगर्स केम अपन हाउ मैनी, तो वो चेक करता है कि चलो दादी मैं चेक करता हूँ, बताओ जरा कितने लोगों पे कितने टाइगर आए थे, है ना. तो वो कहती है राजम के ऊपर 2 टाइगर कूदे थे. दादी तो नींद में. स्वामीनाथन बिकेम इंडिगेंट एंड हिज ग्रैंड मदर्स इनएक्यूरेसी, स्वामी को बड़ा गुस्सा आया दादी की इनएक्यूरेसी पे कि दादी ध्यान नहीं दे रही है.
अब वो चिल्लाना शुरू करता, हियर आई एम गोइंग अ हॉर्स टेलिंग यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड यू फॉल अस्लीप एंड इमेजिनिंग ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। दादी बहुत ही गंदी और गलत बात है, मैं यहाँ पे इतनी ज़रूरी बातें आपको बता रहा हूँ और आप सो गई और क्या 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 नॉनसेंस बातें सोच रही हैं और बता रही हैं मेरे को भी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी थिंग मोर, मैं तो आपको कुछ बताऊँगा ही नहीं, अब जाओ। आई नो वाई आर यू सो इनडिफरेंट, मुझे पता है आपको क्यों नहीं सुनना है। यू हेट राजम, आप राजम से नफरत करती हो। बेवजह का कंसेप्ट, बेवजह का लॉजिक, वाई शुड दादी हेट राजम वेन शी डजेंट नो हु द राजम इज। वो राजम को जानती नहीं है, बट द चाइल्ड माइंड थिंक्स लाइक दिस। स्वामी इज अ क्वाइट अ चाइल्ड, 10 साल का लड़का है, 10 साल का बच्चा है, तो वो क्या सोचेगा कि दादी को नहीं सुनना, दादी को शायद राजम से नफरत होगी। नो नो नो, ही इज़ अ लवली लिटिल बॉय। अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा बच्चा है वो भी, ग्रैनी सेड विद कन्विक्शन, दो शी हैड नेवर सीन राजम। जैसा कि मैंने कहा कि उसने राजम को कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा नफरत करेगी, लेकिन दादी ने उसको सांत्वना दी, उसको समझाया, उसको सिंपति दी कि नहीं 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 वो तो बहुत अच्छा लड़का है। स्वामीनाथन वॉज प्लीज, स्वामीनाथन काफ़ी खुश था। नेक्स्ट मोमेंट अ न्यू डाउट असाइल्ड हिम, अगले क्षण ही उसको एक नया डाउट आया था राजम को। ग्रैनी प्रॉबेबली यू डोंट बिलीव द टाइगर इंसिडेंट। दादी मेरे को अभी भी लग रहा है कि आपको जो शेर वाली कहानी है ना उस पर विश्वास नहीं है। ओ आई बिलीव एवरी वर्ड ऑफ इट, दादी कहती मुझे हर बात पे यकीन है जो जो तूने कही है। स्वामीनाथन वॉज प्लीज, स्वामीनाथन खुश था बट एडेड एज अ वार्निंग। लेकिन स्वामीनाथन ने मन ही मन वहाँ पर बोलने लग गया, ही वुड शूट एनी वन दैट कॉल्ड हिम अ लायर। जो भी राजम को झूठा बोलेगा वो उसको गोली मार देगा, है ना। आप इससे समझ सकते हैं कि हाउ इम्प्रेस स्वामी इज फ्रॉम राजम। वो कितना इम्प्रेस था कि वो गन लेकर आ गया, उसने गन हवा में फायर कर दी, तो वहाँ पे वो राजम से इतना इम्प्रेस हो चुका है कि उसको बस राजम राजम दिखाई देता है सारी जगह पे। ग्रानी एक्सप्रेस हर अप्रूवल, ग्रानी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी, है ना। देन बेग लीव टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, फिर दादी ने हरिश्चंद्र की स्टोरी सुनाना चालू करी, है ना, जो अपने शब्दों का सच का पक्का था। लॉस हिज थ्रोन, उसने अपना जो थ्रोन है यानी कि सिंहासन है वो गवा दिया, ताज गवा दिया, वाइफ को बच्चों को सबको गवा दिया, लेकिन स्टोरी के एंड में सबको वापस पा लिया। शी वॉज हाफ वे थ्रू इट, जब वो आधी कहानी के बीच में थी। स्वामीनाथन रिदमिक स्नोरिंग, स्वामीनाथन की जो रिदम में चल रही खर्राटों की आवाज़ थी वो दादी समझ गई, और दादी जो है समझ गई कि ये सो गया है, और दादी भी फिर सो जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट स्वामी की दादी जी का जो है वो ख़त्म होता है। बट द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड, इट इज़ जस्ट हाफ वे। स्टोरी अभी तो सिर्फ हाफ वे पे पहुँची है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, और यहाँ पे दादी का पार्ट ज़रूर ख़त्म हो जाता है। अगला दिन सैटरडे की आफ्टरनून है, दोपहर है। सिंस सैटरडे एंड संडे केम टू रेयरली टू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के जीवन में सैटरडे संडे बहुत कम आते हैं क्योंकि उसको बेचारे को 7ों दिन की छुट्टी चाहिए और सिर्फ 2 ही दिन की मिलती है। इट सीम्ड एब्सर्ड टू वेस्ट देम एट होम, और वो उसे घर पे बिताकर वेस्ट करना नहीं चाहता है। गॉसिपिंग विद ग्रैनी एंड मदर आर डूइंग सम्स, वो गॉसिप कर रहा है ग्रैनी से, मदर कुछ काम में लगी हुई हैं उसकी माता जी। इट वॉज हिज फादर्स डेफिनाइट ऑर्डर दैट स्वामीनाथन शुड नॉट स्टार्ट लाफिंग इन द आफ्टरनून, पिताजी का सख्त आदेश है कि स्वामीनाथन दोपहर में कहीं भटकने नहीं जाएगा, एंड दैट ही शुड स्टे एट होम, उसे घर पर ही रहना है, डू स्कूल वर्क, स्कूल का वर्क करना है। बट दिस ऑर्डर वॉज सेल्डम ओबेड, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, लेकिन पिताजी का आदेश कभी कभार ही पालन होता है। स्वामीनाथन सेट इम्पेशेंटली इन हिज स्टडी ट्राइंग टू रेस्ट द मीनिंग ऑफ अ पोयम इन हिज इंग्लिश रीडर, एक बड़ा शानदार सा सीन अब क्रिएट हो रहा है। स्वामी को पता है कि उसके पिताजी ऑफिस निकलने वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो करते हैं वही स्वामी कर रहा है। स्वामी पिताजी को ये दिखाने के लिए कि पापा मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ, ठीक है पिताजी मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ, वो बैठ जाता है किताब लेके इंग्लिश रीडर की, ताकि पिताजी को दिखे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। और वो पोयम है इंग्लिश रीडर की, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है। हिज फादर स्टूड बिफोर द मिरर, पिताजी कांच के सामने खड़े हुए हैं, वाइंडिंग अ टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी बांध रहे राउंड हिज हेड अपने सर के ऊपर। ही हैड पुट ऑन हिज सिल्क कोट, उन्होंने अपना सिल्क कोट पहन लिया है। नाउ ओनली हिज स्पेक्टेकल्स रिमेन, अब सिर्फ चश्मा उठाना बाकी रह गया है।
चश्मा पहना, कोट पहन लिया है, पगड़ी बांध ली, अब पिताजी निकलेंगे, और जैसे ही पिताजी घर के बाहर, स्वामी के लिए आजादी। अब कोई रोकने, कोई टोकने, कोई डराने वाला नहीं है। स्वामी को सिर्फ अपने पिताजी से डर लगता है और किसी से नहीं डर लगता, पिताजी से बहुत ज्यादा डरता है वो, है ना। तो वो स्वामीनाथन वॉच हिज प्रोग्रेस कीनली, कीन मतलब उत्सुकता। स्वामी काफी उत्सुकता से अपने पिताजी का ये पूरा प्रोग्राम रोज देखता है, और उसको ये रट गई है स्टेप्स कि पिताजी आएंगे, पगड़ी बांधेंगे, चश्मा लगाएंगे, कोट पहनेंगे, बॉक्स निकालेंगे, पान खाएंगे और घर से बाहर। तो वो टाइम टेबल के हिसाब से बैठ जाता है बिल्कुल पढ़ाई लेकर 5 मिनट पहले, ताकि पिताजी को लगे कि मेरा छोरा तो दिन भर पढ़ता रहता है। अब स्वामीनाथन फेल्ड ग्रेट, स्वामीनाथन को काफ़ी खुशी हो रही थी क्योंकि पिताजी जाने वाले थे। दिस वॉज द लास्ट आइटम, वॉच पहनना बाकी था, लास्ट आइटम था बस। एंड आफ्टर दैट फादर वुड लीव फॉर द कोर्ट। अब पिताजी कोर्ट के लिए चले जाएंगे, पिताजी वकील हैं। मदर केम इन विद अ टम्बलर ऑफ वाटर, टम्बलर मतलब बोलते तो स्टील का गिलास जो होता है ना, उसकी माता जी एक हाथ में टम्बलर लेकर आई है, पानी का गिलास लेकर आई है, एंड अ प्लेट ऑफ बेटल लीव्स, और दूसरे में पान लेकर आई है, नट्स है उसमें, सुपारी है पिताजी के लिए। फादर ड्रिंक द वाटर, पिताजी पानी पी लेते हैं। हेल्ड आउट हिज हैंड, शी गेव हिम अ लिटिल एरिका नट एंड हाफ अ डजन नीटली रोल्ड बेटल लीव्स। उसकी माता जी उसके पिताजी को क्या दे देती हैं, पान का जो पूरा उसमें सुपारी डाल के पान दे देती, 6-7, है ना। ही पुट देम ऑल इन टू हिज माउथ, उन्होंने पूरे 6 के 6 एक साथ पान अपने मुंह में डाल लिए। चूइंग देम विद ग्रेट कंटेनमेंट, और बड़ा आनंद लेते हुए, बड़े मजे लेते हुए उनको चबा रहे हैं उसके पिताजी। स्वामीनाथन रीड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्वामीनाथन अपनी पूरी साउंड निकाल के जोर शोर से आवाज़ में पढ़ना चालू करता है वुल्ली शिप की पोएम। हिज फादर फ्यूज अबाउट अ लिटिल फॉर हिज टाइनी सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड स्नॉटेड ना हैंकरचीफ या केरचीफ। केरचीफ क्या होती है, वो जो रजनीकांत जी पहनते हैं, है ना, वो साउथ की स्टोरी है, तो वहाँ पे सारे लोग वही गमछा पहनते हैं। तो उसके पिताजी अब गमछा लेने वाले हैं, और गमछे के बारे में बड़ी प्यारी बात कही है कि जो जो गमछा था वो उस घर में सबसे गंदी चीज़ थी, जो कभी धुलता ही नहीं था, विच वॉज द मोस्ट अनवॉश थिंग इन दैट हाउस, वो कभी धुलता ही नहीं था। ही हुक्ड हिज अम्ब्रेला ऑन दिस आर्म, उन्होंने अपना छाता बिल्कुल आम में दबाया। दिस वॉज रियली द लास्ट सिग्नल फॉर स्टार्टिंग, और अब ये लास्ट सिग्नल है कि पिताजी को अब तो चले ही जाना चाहिए। स्वामीनाथन हैड ऑलमोस्ट क्लोज द बुक, स्वामीनाथन ने भी बिल्कुल देख लिया कि पिताजी जा रहे हैं, उसने किताब बंद कर ही दी कि ये निकले कि मैं निकला। हिज फादर हैड ऑलमोस्ट गॉन आउट ऑफ द रूम, उसके पिताजी रूम से बाहर चले ही गए हैं लगभग। बट स्वामीनाथन स्टाम्प्ड हिज फुट अंडर द टेबल, स्वामीनाथन ने भी बिल्कुल मुद्रा तैयार कर ली भगने की, लेकिन स्वामीनाथन के साथ चोट हो जाती है, माताजी पिताजी को रोक लेती है। मदर स्टॉप्ड फादर एंड सेड, बाय द वे आई वांट सम चेंज, उसकी माँ कहती है मुझे कुछ खुले पैसों की ज़रूरत है, टेलर आएगा, है ना, और ही हैज़ बिन पेस्टरिंग मी फॉर द लास्ट 4 डेज, कई 4 5 दिनों से पैसे मांग रहा है मेरे से, तो वो आएगा तो उसको पैसे देना है, खुले हो तो दे दो। पिताजी कहते हैं कि उसको कल आने के लिए कहना, मदर वॉज इंसिस्टेंट, मदर मान जाती हैं। फादर रिटर्न टू हिज ब्यूरो, पिताजी अपनी अलमारी की तरफ वापस आते हैं, चाबी ढूंढते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसमें से पर्स निकालते हैं, चेंज देते हैं माताजी को, और फिर कहना ताना मार देते हैं, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज थिंग्स, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे घर चलाऊंगा पूरे मंथ में, है ना। अपने पर्स को देखते रहते हैं कि उसमें कितने कम पैसे बचे हैं, उन्हें लॉक ब्यूरो को यानी कि वापस लॉक करते हैं, अपने अलमारी वगैरह को लॉक करते हैं, टर्बन को कांच में देख के फिर से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद अपनी नाक पोंछते हैं, और स्वामीनाथन के लिए बिल्कुल राहत की सांस होती है क्योंकि अब वो बाहर चले गए हैं। बोल्ट द डोर, आवाज़ आती है पिताजी की तरफ से, दरवाज़ा लगा लेना। केम फादर्स वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट डोर, है ना, खिड़की से बाहर जाते जाते, ए सॉरी दरवाजे से बाहर जाते जाते बोल रहे हैं, दरवाजे की चटकनी लगा लेना। स्वामीनाथन को चटकनी की आवाज़ आती है, वो विंडो पे जाके देखता है, पिताजी चल रहे हैं, जैसे ही कॉर्नर से मुड़ते हैं, स्वामी आज़ाद है, अब स्वामी को कोई नहीं रोक सकता। इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था कि पिताजी कब खसकेंगे। हिज मदर वॉज इन द किचन, माताजी किचन में थी, कुक को इंस्ट्रक्शन दे रही थी दोपहर की कॉफ़ी के लिए। दादी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, दादी कहती है कम हियर बॉय, बेटा इधर आओ, चिल्लाती है वो स्वामी को देख के। आई कांट, नो टाइम नाउ, नहीं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज़ आई विल गिव यू 3 पैसे, मैं तेरे को 3 पैसे दूंगी, इधर आ जा। 3 पैसे उस समय बहुत ज़्यादा कीमती होते थे। 3 पैसे दूंगी, इधर आ जा।
स्वामी दयानंद इग्नोर द ऑफर एंड डैश्ड अवे. स्वामी दयानंद ने इग्नोर कर दिया ऑफर और वहाँ से भाग गया. वेर आर यू गोइंग, मदर आस्क्ड. कहाँ जा रहे हो, माता जी ने पूछा. आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. स्वामीनाथन सेड विद अ सीरियस फेस, आर यू गोइंग टू लोफ अबाउट इन द सन. स्वामीनाथन ने बड़ा सीरियस मुंह बना के बोला, मुझे जाना है. माता जी ने कहा, तुम सूरज में भटकने जा रहे हो, इतनी धूप में भटकने जा रहे हो. पिताजी ने मना करा, सडनली नॉट, नहीं 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 जाऊँगा. वॉन्डर अबाउट रेकलेसली इन केज फीवर, इस तरह से आवारा की तरह भटकता रहेगा और फिर बुखार हो जाएगा तेरे को. नहीं माँ, आई एम नॉट गोइंग टू वॉन्डर अबाउट, मैं भटकने नहीं जा रहा हूँ. हैज योर फादर नॉट आस्क यू टू स्टे एट होम ऑन हॉलीडे, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं कहा है कि तुम हॉलीडे पे घर पे ही रुकना. यस बट माई ड्राइंग मास्टर हैज़ आस्क मी टू सी हिम. अब सारे स्टूडेंट्स के पास एक पका पकाया बहाना होता है, वो क्या होता है, दैट इज पढ़ाई. वो तो ना स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, कहीं नहीं, मूवी देखने जा रहे हो आप लोग, लेकिन घर पे क्या बोल रहे हो, एक्स्ट्रा क्लास. मम्मी बोले नहीं कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास नहीं, बारिश हो रही है बाहर, मत जाए. आप तो चाहते ही हो मैं फेल हो जाऊँ, आपको तो मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं. जब मैं फेल हो जाऊँगा तो फिर आप ताना मार देना कि फेल हो गया, अभी पढ़ने जा रहा हो तो तुमको सबूर ही नहीं. बेचारी माँ क्या करे, आओ जा. तो वो आज के स्टूडेंट्सों ने जो आदत पकड़ रखी, 100 साल पहले भी वही हरकतें होती थी. स्वामी क्या कहता है, यस बट माई ड्राॅइंग मास्टर हैज़ आस्क मी टू सी हिम, मेरे ड्राॅइंग टीचर ने मुझे बुलाया है कि मिलने आ जाओ बेटा, भटकने जा रहा है, कुछ काम निकालने नहीं जा रहा है. आई सपोज इवन देन आई शुड नॉट गो, तो मुझे लगता है शायद मुझे तब भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी को ऑर्डर नहीं है, आप जाते नहीं हो, है ना. और ही एडेड बेटरली, काफ़ी कड़वाहट से उसने अपनी माँ को जवाब दिया, इफ़ आई फेल इन द ड्राॅइंग एग्जामिनेशन, अगर मैं ड्राॅइंग एग्जाम में फेल हो जाऊँगा, आई थिंक यू विल बी प्लीज. तो आपको बहुत खुशी हो जाएगी ना कि मैं फेल हो गया. ताना मार दिया, बेचारी माता जी क्या बोले. ठीक है, सो वॉट हैपन्स नेक्स्ट, द स्टोरी इज नॉट फिनिश, दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग स्टोरी एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम बिकॉज द हाफ पार्ट इज रिमेनिंग. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वॉट इज इन द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 ऑफ स्वामीनाथन्स ग्रैंड मदर्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.